need to tell you something. I really, 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 really like you. I want you. Do you want me? Do you want me too? I really, 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 really. Hello, guys. Welcome to the GBD News. तो गाइज आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मार्वल फैंस के दिल तक छू चुकी है। मैं बात करने वाला हूँ जेम्स गन डायरेक्टर की, जो कि गार्डियन द गैलेक्सी मूवी के डायरेक्टर हैं। और आपको ये मैटर तो पता ही होगा कि उन्होंने एक्चुअल में ऐसा क्या करा था ट्विटर अकाउंट पे, जिससे कि उन्हें इस मूवी से और मार्वल स्टूडियो से निकाल दिया गया। वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं रहे हैं। तो अभी हाल ही में जेम्स गन ने मीटिंग करी थी मार्वल स्टूडियो के प्रेसिडेंट से और देन काफी सारे बड़े बड़े चीफ से कि मेरे को दोबारा लें डिज्नी कंपनी में, मार्वल स्टूडियो में, जिससे कि मैं मूवी बना सकूं। बट फाइनली पूरी मीटिंग होने के बाद और फाइनली जब रिजल्ट निकला, तो रिजल्ट में ये था कि जेम्स गन को वास्तव में रियल में फायर कर दिया गया और नॉट रिटर्निंग डिज्नी मार्वल स्टूडियो। प्लस साफ इनकार कर दिया डिज्नी ने कि हम इस डायरेक्टर को बिल्कुल नहीं लेंगे। अब सबसे बड़ी बात, एक न्यूज और अपडेट आया है, जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो मार्वल स्टूडियो यूज करेगा, देन डायरेक्ट जेम्स गन नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये मूवी फॉरवर्ड कर दी गई है, यानी कि ये मूवी रिलीज होने वाली थी 2020 को, बट इस मूवी को फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि डायरेक्टर नहीं मिल रहा था। अब तीसरी बात, इस मूवी को डायरेक्टर कौन करेगा? तो आप सभी को पता होगा थॉर रैग्नारोक जो कि सुपर हिट गई थी, जो कि उसके जो डायरेक्टर हैं राकी, वो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, अभी हाल ही में जो अपडेट आ रहे हैं। और देन फोर्थ, हाल ही में क्रिस जो कि स्टार लॉर्ड का रोल करते हैं वो काफी मिस कर रहे हैं, और देन उन्होंने बोला है कि मैं पता नहीं कैसे सह पाऊंगा जेम्स गन के बिना इस मूवी को। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर रेड एल के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय जा रहो।